नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, प्रकृति के साथ यदि हमारा जुड़ाव रहेगा तो हम निरंतर स्वस्थ होते जाएंगे। अपने आसपास की प्रकृति को, क्योंकि ये परमात्मा की बनाई हुई है, हमें और ग्रीन से ग्रीन करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ भी हमें खाली जगह मिले, हम कोशिश करें प्रकृति को बढ़ाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, और इससे हमें अपने जीवन की संतुष्टि मिलेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, वातावरण शुद्ध होगा और परमात्मा हमसे खुश होंगे। तो आइए आज चलते हैं। ये जगह देखिए, ये जगह एकदम, यहाँ पर कोई भी प्लांट्स नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए। तो आइए आज शुरू करते हैं प्लांटेशन। ये जो मेरे हाथ में प्लांट्स हैं, ये किसी व्यक्ति ने रोड के ऊपर फेंके हुए थे। मैं इसकी यूटिलिटी को जानता हूँ कि हम ये कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति को और बढ़ावा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैंने पूरी मिट्टी को गीला कर दिया है। इस पौधे का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि इसको आप जहाँ पर भी तोड़ेंगे, और इसको आप सिर्फ छोटा सा खड्डा बनाइए और इसके अंदर लगा दीजिए। ऑटोमेटिकली इसके अंदर से बहुत सारी पत्तियाँ निकलेंगी, ये लंबा होता जाएगा, और कुछ दिन के बाद बहुत ही सुंदर पुष्प फूल इसके अंदर से पिंक कलर के निकलेंगे, जो पूरे एरिया को ब्यूटीफाई करेंगे। तो दोस्तों, बहुत आसान है प्रकृति के साथ जुड़ना और प्रकृति को बढ़ावा देना, और हमारी दिनचर्या का ये भाग होना चाहिए। हम पहले भी कई बार बात करते हैं कि हम नेचर में जाएं, और नेचर में जाने से हमारी बहुत सारी तकलीफें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफें दूर होती हैं। फिर से वही शब्दों का मैं अभ्यास करूँगा कि हमें अपनी औकात पर आना सीखना है। हमारी औकात यही है कि हम पांच तत्वों के पुतले हैं, और पांच तत्वों के बिना हम कहीं नहीं रह सकते। तो वापस आइए अपनी बेसिक्स के ऊपर, अपनी रूट्स के ऊपर, और कुछ ना कुछ आप बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों देखिए, इस एरिया को हमने कितना ब्यूटीफाई कर दिया है, छोटी छोटी डंडियाँ लगाकर, जो कुछ ही दिनों में अवतरित होंगे। इनसे नहरें, पत्ते निकलेंगे, ये पूरी बेल बनेगी, और छोटे छोटे फिर फूल निकलेंगे, जो इस पूरे एरिया को फिर ब्यूटीफाई करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिजिकल कार्य नहीं है, मैंने इसको करने के लिए सिर्फ 15 मिनट लिए हैं, और फिर प्रकृति अपने आप इसको इंक्रीज करेगी। दोस्तों, इसका एक मानसिक प्रभाव भी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो मिट्टी के साथ जुड़िए। आप अपने घर पर गमलों के अंदर या खुले स्पेस के अंदर नए नए पौधे लगाइए। उन पौधों को रोज आप नर्चर करिए, उनकी नरिशमेंट करिए। फिर जब नए नए छोटे छोटे से उसमें से फिर सैपलिंग्स निकलेंगी, और फिर वो बड़े होने शुरू होंगे, तो ऐसे ही आपके अंदर एक सब्र आएगा कि जीवन के अंदर जो सफलता है वो केवल क्षणिक नहीं है, केवल एकदम से नहीं मिलती। उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, उसको नर्चर करना पड़ता है, रोज उसका ध्यान करना पड़ता है, फोकस होकर अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, जुड़िए, आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। तो दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और पूरे विश्व को उज्ज्वल बनाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेट लाइफ अहेड।